Hello learners, I am Diksha Sharma and you are watching commerce.com. Today we are going to discuss here probability distribution. So probability distribution के अंदर आज हम पढ़ेंगे poisson distribution. Okay? इससे पहले हमने binomial distribution cover कर लिया है, तो अगर आपने नहीं देखा तो previous lecture ज़रूर देखिएगा. Okay? So before starting, please like this video and subscribe to commerce.com for all valuable lectures and content. So let's just begin with the very first slide, poisson distribution. It is discrete probability distribution. यहाँ पर जो discrete probability की हम बात कर रहे हैं, यानी कि whole numbers में होती हैं number of digits, right? जैसे binomial में था वैसे ही. Okay. और ये ज़्यादा use कहाँ होता है? Statistical work में बहुत ज़्यादा use होता है. और इसे डेवलप किया था डॉक्टर साइमन डेनिस पॉइजन ने. इन्हीं के नाम पर इसे हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं. ओके, इन 1837 इट इज़ यूज्ड इन दोज सिचुएशन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, यानी कि हमारा जो फेवरेबल इवेंट है उसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बहुत कम हो. राइट, यानी कि बहुत कम का मतलब है कि ज़ीरो के नज़दीक हो. जो हमारा पी होगा वो ज़ीरो के नज़दीक होगा, तो इसका उल्टा क्यू हमारा एक के नज़दीक हो गया, क्योंकि दोनों का सम क्या है, वन होता है ना, इसलिए. ओके, तो इसका फॉर्मूला यहाँ लिख दिया है. ई एम क्या है, अब यहाँ पर एम का यूज़ हुआ है, ई की पावर माइनस एम, तो एम होता है हमारे फेवरेबल इवेंट यानी कि पी इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ इवेंट्स. राइट, तो वो. ओके, सो अब इसके यूजेस कहाँ हैं, जैसे हमने बात कर ली कि एग्जांपल लिया किस चीज़ का, कि जो फेवरेबल केस हो वो बहुत ज़्यादा कम होने चाहिए, जिसके होने की संभावना कम हो. तो जैसे स्टैटिकल क्वांटिटी कंट्रोल टू कलेक्ट द नंबर ऑफ डिटेल्स डिफेक्ट्स इन एन आइटम, यानी कि एक आइटम में डिफेक्ट होने की संभावना हमें नहीं पता कितनी हो सकती, यानी कि एन क्या है हमारा, एन हमारा इनफाइनाइट है और जो फेवरेबल इवेंट है वो ज़ीरो के आसपास, मतलब सारी चीज़ें खराब नहीं हो सकती, उसमें से कुछ आइटम जो होंगी डिफेक्ट हो सकती हैं. तो वही क्या है, ये बता रहा है कि यहाँ पर पी की वैल्यू ज़ीरो के पास है, एन इनडेफिनेट है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. ऐसे ही बायोलॉजी के अंदर बैक्टीरिया होना, बैक्टीरिया की नंबर ऑफ काउंट करनी हो. उसके बाद इंश्योरेंस सेक्टर में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, कि जैसे इंश्योरेंस करवाना है किसी को तो उसकी कैजुअलिटी काउंट करना, तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ हम यूज़ करते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को. सो अब इसके फीचर्स क्या हैं, फीचर्स में बात करेंगे हम, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है. डिस्क्रीट में मतलब होल नंबर्स में होगा, नंबर ऑफ टर्म्स एन 1, 2, 3, 4 इस तरह से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ओके, तो पी इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, पी को किससे डिनोट कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को पी से, एंड जो फेलियर है यानी कि अनफेवरेबल आउटकम्स हैं वो क्यू से डिनोट होंगे. तो यहाँ पर पी जो है वो ज़्यादा पास होगा ज़ीरो के, और जो क्यू है वो ज़्यादा पास होगा वन के, तो इसीलिए क्यू बड़ा है हमारा पी से. राइट, और एक और चीज़ जो अभी लास्ट में मैंने आपको नहीं बताई, डायग्राम. सो यहाँ पर जो पी है वो छोटा होता है. राइट, तो जहाँ पर पी क्यू से छोटा होगा तो किस तरह का बनेगा हमारा जो डायग्राम है, वो होगा इस तरह, यानी कि वो नॉर्मल कर्व नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे पी बढ़ता जाएगा, राइट, पी बढ़ता जाएगा, जैसे यहाँ पर हम बात करें कि पहले m 0.3 क्यों आया, क्योंकि p छोटा होगा, तो इसी वजह से ये नॉर्मल कर्व, ये जो नॉर्मल कर्व है इससे बहुत ज़्यादा दूर है. राइट, फिर ये बढ़ा, जैसे जैसे p बढ़ा कुछ, और उससे m बढ़ गया, 0.7 हो गया, तो ये थोड़ा और नॉर्मल कर्व होने लग गया, और उसके बाद लास्ट में क्या हुआ, ये पॉजिटिव टेल बन गया. राइट, यानी कि आपका जो p पॉजिटिव टेल की तरफ धीरे धीरे सरकने लगा, और पहले क्या था, नेगेटिव. राइट, तो उसकी टेल कहाँ ज़्यादा थी, नेगेटिव साइड, और अब धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल. और पी अगर और भी ज़्यादा बढ़ गया, वैसे होता नहीं है पॉइजन में ऐसा, तब क्या होता है, तब वो पॉजिटिव हो जाता है. तो अब हमारा जो पी जितना कम होगा उतना ही वो नॉर्मल कर्व से दूर, यानी कि नेगेटिवली टेल्ड की तरफ होगा.
राइट. सो हम बोल सकते हैं नेगेटिवली स्क्यूड है ये. ओके. सो अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि एन इज़ द नंबर ऑफ ट्रायल. एन जो है, जो नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं वो हमारे इनफाइनाइट होते हैं यहाँ. ओके. नेक्स्ट है द पैरामीटर. अब जो यहाँ पर हम पैरामीटर्स यूज़ करते हैं, यानी कि किन किन का यूज़ करते हैं, हम यहाँ क्यू का यूज़ करते हैं और एम का यूज़ करते हैं, क्योंकि जो पी है वो इतना छोटा है कि उसे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है एन से, तब वो एम बनता है और उसका हम यूज़ कर पाते हैं. तो यहाँ वैल्यू ऑफ एम एंड क्यू इनका यूज़ होता है. ओके. द एवरेज नंबर ऑफ एन पी, यानी कि एन इंटू पी, उसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज या मीन भी बोलते हैं. तो वो क्या है, एन पी इक्वल टू मीन बोल सकते हैं, जहाँ कि एम क्या है, हमारा पैरामीटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है कि जो हम डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ करते हैं. जैसे नॉर्मली हम क्या यूज़ करते हैं, फेवरेबल केस अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, जहाँ पर पी हमारा सक्सेस को डिनोट करता है. लेकिन यहाँ पर पी छोटा होने की वजह से पी इंटू एन लिखा जाता है. ओके. और फॉर्मूला वही ई वाला जो अभी हमने पढ़ा था. उसके बाद जो और भी चीज़ें, अगर हमें मीन कैलकुलेट करना है, वेरिएंस कैलकुलेट करना है, तो वो कैसे कैलकुलेट होंगे. सो उसके लिए फॉर्मूला है कि जो आपका मीन है वो एन इंटू पी, यानी कि आप उसे एम भी बोलते हो, आप उसे मीन भी बोलते हो. ओके. और वेरिएंस निकालना है, वेरिएंस कैसे निकालोगे आप, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर. स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर ही आपका क्या है, एम है. राइट. सो यहाँ पर आपने देखा कि स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल है मीन के. राइट. और अगर आपको क्या निकालना है, और एक चीज़ और, स्टैंडर्ड डेविएशन मीन के इक्वल नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एम, ये है. राइट. यानी कि वेरिएंस आपका इक्वल है एम के, यानी कि मीन के. तो यहाँ बोल सकते हो वेरिएंस इक्वल टू एम. राइट. और स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एम. राइट. तो क्योंकि सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में, तो इसी तरह आपको ये फॉर्मूलाज और किसने डेवलप किया, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है. ओके. अब अगर आपसे पूछ लिया जाए, वैसे नहीं आता है ये, मोमेंट्स पूछ लिए जाए स्क्यूनेस के, तो बी वन अंडर रूट इक्वल टू क्या होगा आपका, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, वन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन. ओके. और जो आपका बी टू है वो कैसे कैलकुलेट होगा, थ्री प्लस वन अपॉन एम, यानी कि वन अपॉन वेरिएंस. सो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ. ओके. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू commerce.com. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर लाइक. टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड स्टे कनेक्टेड विद अस.